हेलो गाइस, कैसे हो सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं रेडी हुआ हूँ। आज जुम्मा है तो कुर्ता उर्ता पहन के रमजान का जुम्मा है, इसलिए तो चलते हैं अपन मस्जिद। और आज धूप भी, गर्मियों का सीज़न आ गया है तो धूप भी लग रही है बाहर। तो अभी टाइम है 20-25 मिनट बाद अपन निकलते हैं और चलते हैं। वैसे मोबाइल तो यहीं रहेगा पर चलते हैं अपन। तो बढ़िया लग गया है आज तो। आज गर्मी बहुत है और सब बच्चे गर्मी में हाँफ रहे हैं। ये खुल खुल के कोई पानी के पास बैठा है ज़्यादातर। आवाज़ आ रही होगी तुम्हारे को शायद, कैमरे में समझ पड़ता होगा तुम। और उधर भी यही हाल है उस फार्म में भी। चलते हैं उधर भी देखते हैं। इधर अभी अपन ने दाना नहीं करा है दिन में, और इधर तो हैगा, अपन ने शाम को कर दिया था, बट उधर अभी आज शाम को करेंगे। और इधर भी सब डेड भी बहुत हो रहे हैं बच्चे, मतलब ज़्यादा हो रहे हैं, जगह कम पड़ रही है इनको। और ये एकदम से आप आई है, ये रही कितनी खतरनाक। ये अचानक से वो गई, सब सुख लंबा गई है। तो ये लाइट फॉल्ट हो गई थी और आग लग गई है, पूरा खेत जल गया है। ये देखो लाइट फॉल्ट होने की वजह से ये सब जल गया है। आग लग गई थी एकदम, कुछ फॉल्ट हो गई और नीचे चिंगारी गिर गई इसकी वजह से, तो ये सब जल गया है। और ये अपना पाइप भी जल गया है, ये देख सकते हो। वैसे अपने गेहूँ तो सब कटे हुए थे, ऐसा नुकसान नहीं हुआ है खास, पर वो जो भूसा बनाने का था अपने को वो नुकसान हुआ है, भूसा नहीं बन पाया है तो वो जल गया। कोई बात नहीं, पर अच्छा हुआ ये, बस यही हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर बुझ गई है इधर जाके, गेहूँ सबके कट गए थे, लाइट फॉल्ट होने की वजह से जल गया है। बस ये नुकसान ये हुआ है कि ये अपना पाइप जल गया है, ये देख सकते हो। ये अभी मैंने चेंज करा है, कड़क वाला पाइप लगाया है यहाँ पर। और चलते हैं, पानी का टाइम हो रहा है और मैं आया हूँ धनिया वाले खेत में पानी काटने। ये इधर नल चल रहे हैं और अपना धनिया भी उग गया है, बताता हूँ। थोड़ा थोड़ा उग गया है धनिया, देख ही रहा होगा ये ये ये, और ऐसा उग गया है सब दूर। और इधर पानी चल रहा है अपना बढ़िया से। बस ये टावर बचा है थोड़ा सा। अपन अभी दो कीवी में ही चला रहे हैं, मतलब 2, 1 और 2 इतने में ही चला रहे हैं 20 गैलन में पानी। और फिर ये दो बाद में चालू कर देंगे अपन उधर के नल बंद करके, तो ये इधर हो जाएगा। तो ये चल रहा है फर्स्ट क्लास पानी, और अपन चलते हैं। और शाम का टाइम हो रहा है एकदम, सूरज सामने ही है, पानी भी अच्छा चल गया है जगह। और इधर प्याज भी नींद आ रही है, उधर उधर का चारा बचा है और इधर इधर सब क्लियर कर दिया है। ये देखो अच्छा है ये भी प्याज, थोड़ा अटाला ज़्यादा हो गया था इसलिए थोड़ा चल नहीं पा रहा था। ये अभी इसको करा है साफ अटाला, और उधर उधर बचा है। और ये इधर अपने धनिया में पानी चल रहा है अपना, और उधर हो गया है, और उधर लास्ट में मूँग है अपने। और उसके बाद अपन पानी मूँग नहीं छोड़ेंगे। धनिया में से कबूतर उड़ के गई है, ये देखो मस्त नज़ारा है। और ये अपना पूरा पी गया है धनिया तो। और अभी अपन उधर पानी छोड़ेंगे मूंग में, चलते हैं और देखते हैं। धनिया तो अपना उगा है बढ़िया, पर उसी के साथ अटाला बहुत उगा है, चारा बगदा बहुत उगा है। ये तो इसको एक बार दवा छिड़कना पड़ेगी और एक बार हाथ से उखाड़ना भी पड़ेगा। और ये इधर अभी चल्लू कर रहा है मैंने मुँह में पानी, ये देख सकते हो अभी चल रहा है बढ़िया से, पूरे में पिला देते हैं। और ये भी बहुत बढ़िया होगी है। तो ये अपने मूंग जो बोए थे अपन ने बहुत ही ज़्यादा डट बो दिए थे, मतलब ज़्यादा उराव कर दिया था। ये देख सकते हो कितने डट उगे हैं मूंग, थोड़े सीधे उगना थे इनको। ये देखो
में देते हैं। तो गर्मी में सब बच्चे, शाम का टाइम हो रहा है और सब फार्म में बच्चे अपने ऐस कर रहे हैं, चौड़े हो के बैठे सब। थोड़ा डर भी हो रहा है माल। और इधर ये चोलू जूज है वो है, और इस फार्म में भी यही हालत है। इधर जहाँ जहाँ धूप आ रही है वहाँ वहाँ सारी जगह छोड़ दी है इन्होंने, और सब बीच बीच में बैठे हैं अभी, देखो फैल के एकदम गर्मी हो रही है। और ये सब अपने जल गए थे कल। तो तेज तेज हवा चल रही है, बहुत तेज, मेरी आवाज़ अब तक कहीं भी नहीं रही होगी शायद तक। और अभी पानी काट के आया हूँ मैं, और गर्मी भी हो रही है, धूप गिर रही है। वैसे गर्मियों का मौसम ही आ गया है, तो रूम में चल रहा है अपना पानी। और ये यहीं से ही पाइप गए अपने। और इधर प्याज, प्याज में अटाला वगदा बहुत हो रहा है, वो भी अपनी थोड़ी बहुत देर में शाम तक दाने की भी गाड़ी आने वाली है, तो दाना भी उतारना है अपने को। और पानी भी चल रहा है, पानी वैसे आज हो जाता बट वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अपन ने थोड़ी मोटर दूसरी जगह कर दी थी प्याज में, इसलिए नहीं तो आज मुँह में पानी हो जाता, बट आज अपन हो जाएगा वो शाम तक। तो ये शायद कुछ हो गया है गाड़ी में, और अपना दाना उतार लिया है अपन ने, ये सब दोनों फार्म। फार्म में गर्मी बहुत हो रही है, और अभी अपन ने दाने के बैग उतारे हैं। और इधर भी, इधर छोटा माल है अपना, और इधर है अपना बड़ा माल। इधर भी अच्छी खासी गर्मी हो रही है, इधर 2.5 किलो हो गया है ये अपना, और उधर 1800 ग्राम है। दोनों तरफ बैग उतार दिए अपन ने, इधर कम उतारे हैं उधर ज़्यादा उतारा, सब उतार दिया है। और अभी अपन चलते हैं, पानी काट के आते हैं दूसरी सरी में, वो हो गई होगी, चल के देखते हैं हुई होगी कि नहीं, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया है अपने को, तो मैं जाके मालूम पड़ेगा। और इधर से धूप आ रही है, गाल पे लग रही है, केप नहीं लेके आया हूँ मैं। चलते हैं, पानी वहाँ की जगह चल रहा है, और गीला यहाँ तक हो गया है अंदर ही अंदर, ये पैर अंदर धस रहे हैं अपने, तो यहाँ तक गीला हो गया है, बट पानी वहाँ चल रहा है उससे। तो अपनी अभी सरी हुई नहीं है, इतनी और बची है, तो थोड़ा वेट करते हैं अपन और फिर दूसरी में काट के चलते हैं। तो ये रह गई, आधा घंटा और लगेगा, आधा भी नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। और इधर तो ये हो नहीं गई, तो देखते हैं मसूर आज शाम तक होती है।